हम लोगों ने इतना कोड कर रखा था कल, ये ले लो, सेव किया मैं, और लॉगिन फॉर्म को भी मैं इधर ओपन ही कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने यहाँ पास कर रखा है ना, अब मैं रन कर रहा हूँ, देखना क्या हुआ। एक्शन परफॉर्म वाले में मैंने हेलो लिखा है, अब रन होगा तो देखना है। हेलो हेलो आ रहा है ना, तो अब मुझे क्या करना है, यहीं पे सारा कोड लिखना है, यहीं पे क्या करना है, सारा कोड लिखना है यहीं पे। यहीं पे है, अब देखिए आप लोग, मेरे को क्या करना है, मैं ये चाह रहा हूं ना कि जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक किया जाए, तो यदि इसमें कुछ भी एंटर ना हो तो एरर का मैसेज आ जाए, लॉगिन सॉरी इंटर ईमेल, और कुछ भी इंटर ईमेल, जब ईमेल वाला आ जाए तो जब पासवर्ड में क्लिक करें और पासवर्ड डालिए तो इंटर पासवर्ड का मैसेज आए, जब मतलब आईडी पासवर्ड के लिए एरर का मैसेज आए, समझ रहे हो। चलो यही हमें काम करना है, तो यहाँ पे हमें कंट्रोल को एक्सेस करना पड़ेगा, ये जो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह है ना, नहीं सॉरी, ये यूजर नेम और पासवर्ड जो टेक्स्ट बॉक्स है, हमको वो कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मिलेगा तभी तो हम एक्सेस करेंगे ना, तभी एक्सेस करेंगे। तो कैसे एक्सेस करेंगे, तो देखो अब इधर ये जो है ना, इसको आप ऐसे कट करो यहां से, जरूरत तो नहीं था लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बना ले रहा हूं, हो गया। यहां पे मैं पास कर देता हूं दिस, दिस पास कर दिया, दिस का मतलब क्या है, फ्रेम है ना हमारा, और फ्रेम के अंदर ही तो वेरिएबल बना है ना, यूजर नेम पासवर्ड, तो यदि दिस के साथ तो मैं एक्सेस कर ही सकता हूं ना यूजर नेम को, नहीं कर सकता, तो इसी डिस्क को मैंने पास कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे एरर आने लगा, एरर इसलिए आ रहा है कि कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो यहाँ पे जैसे माउस लाया मैं थोड़ी देर के लिए, तो ये पॉपअप आ रहा है और यहाँ पे लिखा है क्रिएट कंस्ट्रक्टर, मैंने क्रिएट कंस्ट्रक्टर पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्रिएट कंस्ट्रक्टर पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आ गया। अब देखना मैं क्या करूंगा, अब इसी को यहाँ पे ऐसे कर लिया ऐसे, और फिर डिस कर लेता हूँ डॉट लॉग इन फॉर्म इक्वल टू लॉग इन फॉर्म, हो गया। मैंने यहां पे स्टोर कर लिया ना, कर लिया स्टोर। अब मैं क्या करूंगा, इस लॉग इन फॉर्म के साथ डॉट लगाऊंगा, मैं यूजर नेम लिखूंगा, यूजर नेम तो नहीं आएगा क्या, नहीं आएगा तो फिर दिखा रहा हूं मैं कैसे आएगा। ये देखो इधर पब्लिक नहीं लिखा हुआ है ना, तो मैं पब्लिक करता हूं इन सबको, पब्लिक कर दिया। अब देखना आएगा ये टेक्स्ट बॉक्स, इसमें आया और यहां पे देखना डॉट लगा रहा हूं और यूजर नेम लिखूंगा, तो आ गया यूजर नेम, देखो यूजर नेम आ गया ना। तो इसी तरह से हम अपने इवेंट वाले क्लास में एक्सेस कर लेंगे। अब इसमें कुछ एरर आ रहा है, वो एरर क्या आ रहा है मैं देख लूं, ये आ रहा है क्रिएट कंस्ट्रक्टर, एरर क्यों आ रहा है भाई, इसको तो एरर आना नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्टर तो मैंने यहाँ पे बना ही दिया है, ऐसा तो नहीं कि उस दिन के जैसा किसी और। अच्छा ये सेव तो नहीं हुआ है ना जी, सेव तो करना ना पड़ेगा, सेव कर दिया तो अब एरर गायब हो गया। देख लिया आप लोग कैसे हुआ, समझ में आया नहीं आया, मैंने क्या किया है देखो, दिस यहाँ पे पास किया मतलब अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ ना यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया किसमें, लॉगिन में, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू आएगा ना जी, यहाँ पे दिस किसमें रिसीव हो जाएगा, इस वाले वेरिएबल में होगा रिसीव, और मैंने यहाँ पे भी एक वेरिएबल बना रखा है लॉगिन फॉर्म का, तो इस वेरिएबल का डेटा मैंने इस वेरिएबल में सेट किया है सिर्फ यहाँ पे, जैसे दिस कीवर्ड आपको मैं बता रहा था ना बोर्ड पे, तो यही चीज बताया था ना कि यदि यहाँ पे भी नाम से वेरिएबल हो यहाँ पे भी हो तो दिस कीवर्ड का इस्तेमाल भी कैसे साइन करेंगे।
तो मैंने सिर्फ इसका वैल्यू को यहाँ पे मैंने स्टोर करके रखा है और कुछ नहीं किया, समझ गए। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं इफ लिखता हूँ, इफ, और यहाँ पे एक मैं मेथड कॉल करूंगा। मेथड कॉल करने से पहले मैं यहाँ पे एक पैकेज बनाता हूँ, राइट क्लिक, न्यू पैकेज, पैकेज का नाम लिख देता हूँ वैलिडेशन, वैलिडे, सही है स्पेलिंग, गलत होगा तो मेरा का बिगड़ने वाला है। अब यहाँ पे एक तो मैं वैलिडेशन के लिए क्लास बनाऊंगा, बना दिया क्लास, इसका क्या नाम रख दूं मैं, लॉगिन फॉर्म वैलिडेशन, वैलिडेशन हो गया, एंटर, लॉगिन फॉर्म वैलिडेशन बन गया यहाँ पे। अब इसी नाम को मैंने कॉपी किया और आया यहाँ पे, ये तो विंडोज एप्लीकेशन है, तो विंडोज एप्लीकेशन है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का कोई मीनिंग नहीं बनता, क्योंकि एक बार में एक ही यूजर आएगा। लेकिन मैं ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूँ, वेब एप्लीकेशन वगैरह में ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए क्योंकि वहां पे मल्टीपल यूजर्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या करूंगा, डॉट के बाद लिख दूंगा वैलिडेट, लेकिन ऐसे करूंगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, वैलिडेट लिखा हूं मैं, स्पेलिंग अब गलत होगा तो हो, वैलिडेट हो गया जी। अब वैलिडेट तो मैं ऐसे कर सकता हूं, लेकिन हमको टेक्स्ट बॉक्स वगैरह भी तो चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए कि नहीं चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हमें वैलिडेशन करने के लिए। तो यहां पे मैं पेस्ट कर दिया वैलिडेशन को, इसको कहां पे पेस्ट किया, यहां पे। वैलिडेशन मतलब कि हम वैलिडेट करें कि डेटा एंटर हुआ है कि नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, कंस्ट्रक्टर नहीं है, क्रिएट कंस्ट्रक्टर पे क्लिक कर दिया, अब एक कंस्ट्रक्टर आ गया, समझे में नहीं आ रहा होगा आप लोग क्या मैं कर रहा हूँ। डॉट, मैंने वही काम किया है यहाँ पे जो मैंने आपको बता चुका हूँ थ्योरी में, नया कुछ नया है, आप देखना रिकॉर्डिंग को दो चार पांच बार, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे मेथड एक कॉल करूंगा, इतना मेहनत कौन करेगा यार, बनने के लिए क्या नहीं बनेगा, वैलिडेशन डॉट वैलिडेशन मेथड मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। अभी वैलिडेशन मेथड क्या करेगा, इसको भी मैं क्रिएट कर देता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे बन गया आपने यार। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, इस वाला में बन रहा है भाई, इस वाले में, आप रिकॉर्डिंग को चार पांच बार ध्यान से देखने से बाद, तो ये बन गया। अब यहाँ पे अगर ट्रू आता है मतलब वैलिडेट, तो यहाँ पे हम क्या कर लिखेंगे, डेटाबेस में डू लॉगिन, डू लॉगिन, लॉगिन करने का कोड लिखेंगे। अब हमें वैलिडेशन का तो कोड लिखना है ना जी, तो वैलिडेशन का कोड हम कहाँ लिखेंगे, इसी फंक्शन के अंदर वैलिडेशन का कोड लिखेंगे। लिख के दिखा दूं दो चार लाइन, ये देखो टाइप कर दिया ना, कल करें या फिर वैलिडेशन इसमें हो जाएगा ना, कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है, इफ लगाऊंगा मैं, लॉगिन फॉर्म डॉट भगवान डॉट यूजर नेम, समझ रहे हो, यूजर नेम, यूजर नेम डॉट गेट टेक्स्ट करूंगा तो क्या आएगा, जो भी चीजें टेक्स्ट बॉक्स में आप लिखते हैं वही चीजें इस गेट टेक्स्ट मेथड रिटर्न करता है, समझ में आ रहा है। तो डॉट यहाँ पे प्रयोग करूंगा, इक्वल इक्वल, अब यहाँ पे मैं दे दूंगा एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कि खाली स्ट्रिंग के तो बराबर नहीं है, यदि ये एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर है तो क्या करो,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में प्रिंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे इंटर ऐसे, फिर एल्स में ब्लॉक में भी मैं लिख लूंगा या फिर एल्स ही ब्लॉक में लिख लूंगा इफ एल्स लिख दें उसके बाद इफ एल्स में लिख देंगे ऐसे और इसमें कुछ थोड़े ना करना है भाई जिसको गलत ऐसे स्पेस और फिर यहाँ पे आएंगे हम कॉपी पेस्ट डॉट पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट किया डॉट इक्वल इक्वल किसके बराबर एम्प्टी टेक्स्ट के बराबर तो ये नहीं है अगर है तो अरे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट कर देंगे इंटर पासवर्ड पासवर्ड और आखिरी में एल्स ब्लॉक में हम क्या रिटर्न कर देंगे नहीं नहीं रिटर्न ट्रू रिटर्न हो गया वो क्या होता है यहाँ पे भी हमें रिटर्न फॉल्स लिखने की जरूरत है ये तो मैसेज हमने दिया है लेकिन रिटर्न फॉल्स लिखना ना पड़ेगा जी रिटर्न फॉल्स यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा रिटर्न फॉल्स रिटर्न फॉल्स कर देंगे ठीक है कोई लाइट कट जाने से क्या फर्क पड़ता है बादल आ जाने से सूर्य का उदय होना रुकता है क्या हो गया अब लॉगिन फॉर्म में आओ लिसनर जान मार देगा इसे यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन में लिख रहा हूं मैं डू लॉगिन क्या लिखा लिखा है लॉगिन मतलब यहां पे लॉगिन का कोड होगा मेन वैलिडेशन का कोड तो हमने कर दिया अभी मतलब हुआ नहीं है मैं एक इशारा किया है ये देखो लॉगिन पे क्लिक किया लॉगिन पे क्लिक किया आगे इंटर ईमेल सर उसको तो पता चलना चाहिए ईमेल डाल दिया चलेगा नहीं पता उसको चलेगा यहाँ पे मैसेज मैं नहीं दूंगा अभी आप लोगों को दिखाने के लिए दिया मैं देखो इंटर पासवर्ड आ गया ना अब लॉगिन कर रहा हूँ इंटर कर दूंगा पासवर्ड तो अब फिर से इंटर मारा चल रहा है डू लॉगिन आ गया मतलब कोड यहाँ पे आ गया सर इसको लिखने के बाद नीचे पासवर्ड बस कहता है ऊपर वाला हटा दिया ईमेल वाला ईमेल वाला को हटा दूं ईमेल इंटर ईमेल लिखेगा भाई इंटर ईमेल लिखेगा ईमेल डलाएगा दोनों बारी बारी से मैंने चेक किया है ना ऐसे ही होगा एक बार नहीं 10 बार रिकॉर्डिंग इसको बंद कर देता हूँ लाइट कटी गया है